फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को टेक्निकल सब्जेक्ट और टेक न्यूज की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी चैनल। मैंने लास्ट लेक्चर में कुछ पैटर्न्स के प्रोग्राम डिस्कस करे थे, अब कुछ और प्रोग्राम डिस्कस करते हैं हम पैटर्न से रिलेटेड ही। सपोज करिए आपको ये पैटर्न डिस्प्ले करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पैटर्न आपको डिस्प्ले करना है। तो इसके लिए आप कैसे कोड लिखेंगे, देखिए n वेरिएबल डिक्लेयर करा, एक वेरिएबल i, एक वेरिएबल j। i और j किस लिए डिक्लेयर करते हैं, प्रीवियस लेक्चर में आप पढ़ चुके हैं, i फॉर आउटर लूप एंड j फॉर इनर लूप। ठीक है, n का मतलब क्या है, n का मतलब नंबर ऑफ लाइंस। तो आइए इस पैटर्न को हम डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, पता है आपको कि लॉजिक क्या लगाएंगे, सबसे पहले तो हम लगाएंगे फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n और i प्लस प्लस। ठीक है, ये लूप चलेगा आपका नंबर ऑफ लाइंस के लिए। ठीक, i की वैल्यू कितनी है, 1, और n का मतलब क्या हो गया, यहां पर अगर मैं देखें नंबर ऑफ लाइंस 1 2 3 4, तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस है 4। सपोज कर आपने 4 लाइन इनपुट करी। ठीक है, अब आपने इस फॉर लूप की बॉडी स्टार्ट करी। ठीक, अब जरा सोच के मुझे बताइए कि इसमें आप देखिए जरा पहली लाइन में कितनी वैल्यूज हैं। पहली लाइन में टोटल नंबर ऑफ वैल्यू जो है वो एक है, एक, देखिए 1। मैं ये नहीं कह रहा एक का मतलब यहां 1, मैं कह रहा हूं कि कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज हैं। दूसरी लाइन में 2 वैल्यूज हैं, 2 3। तीसरी लाइन में 3 वैल्यू हैं, 4 5 6। देन नेक्स्ट लाइन में फिर आपकी 4 वैल्यूज है, 1 2 3 4। तो आपको ये पैटर्न बड़ा जाना पहचाना सा लग रहा होगा, इट इज जस्ट लाइक जैसे मैंने आपको प्रिंट कराया था, एक एस्ट्रिक देन 2 एस्ट्रिक देन 3 एस्ट्रिक और देन 4 एस्ट्रिक। तो एग्जैक्टली इसके लिए लॉजिक क्या होगा, इसके लॉजिक इनर लूप आप सीधा लगा देंगे फॉर, क्योंकि ये पैटर्न मैं आपको ऐसा पहले डिस्प्ले करा चुका हूं, जे इक्वल टू 1 और जे लेस देन इक्वल टू आई और जे प्लस प्लस। ठीक है, लेकिन आप इसमें चीज ऑब्जर्व करिए कि पहले यहां पर 1 प्रिंट हो रहा है, देन यहां पर 2 3, देन 4 5 6, देन 7 8 9 10। यानी कि हर बार जो वैल्यू आप प्रिंट कर रहे हो वो एक इंक्रीमेंटेड वैल्यू है। अगर आपने 1 प्रिंट कर दिया तो नेक्स्ट टाइम जो वैल्यू प्रिंट होगी वो 2 होगी, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6 एंड सो ऑन। ठीक, तो अपन ने क्या करा, यहां पर एक वेरिएबल ले लिया k और k को इनिशियलाइज कर लिया 1 से, क्योंकि जो फर्स्ट वैल्यू मैं प्रिंट कर रहा हूं वो 1 है, और यहां पर मैंने इस लूप के अंदर k की वैल्यू प्रिंट करा ली, और साथ में मैंने k की वैल्यू एक इंक्रीमेंट भी कर दी, क्योंकि नेक्स्ट टाइम मुझे 1 प्रिंट नहीं करना, नेक्स्ट टाइम मुझे 2 प्रिंट करना। और इनर फॉर लूप के बाहर आपको बताइए क्या लिखते हैं हम, प्रिंट एफ बैकस्लैश एन एंड देन आउटर फॉर लूप की बॉडी क्लोज रिटर्न 0 और मेन फंक्शन की बॉडी क्लोज। तो आइए देखिए कैसे ये लूप चला मेरा। देखिए 1 लेस देन इक्वल टू 4 कंडीशन ट्रू, फ्लो ऑफ कंट्रोल आएगा आउटर फॉर लूप के अंदर, j की वैल्यू कितनी है 1 और i की वैल्यू ऊपर से कितनी आई 1। ये लूप कितनी बार रन करेगा, ये लूप केवल एक बार रन करेगा। k की वैल्यू मैंने किससे इनिशियलाइज कराई, 1 से। तो 1 लेस देन इक्वल टू 1 कंडीशन ट्रू, कंट्रोल इनर फॉर लूप के अंदर आया और k की वैल्यू प्रिंट कर ली। k की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, k की वैल्यू 1 प्रिंट होगी। तो बताइए जरा फर्स्ट लाइन में आप क्या प्रिंट कर रहे हैं, फर्स्ट लाइन में आप 1 प्रिंट कर रहे हैं। उसके बाद आपने k इक्वल टू k प्लस 1 करा तो k की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई 2। ठीक, अब इसके बाद कंट्रोल जाएगा इस j प्लस प्लस पर, तो j की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी 2। और मुझे बताइए जरा कि 2 लेस देन इक्वल टू 1 कंडीशन क्या हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स होते ही कंट्रोल इनर फॉर लूप के बाहर आएगा, प्रिंट एफ बैकस्लैश एन ड्यू टू विच कर्सर मूव टू नेक्स्ट लाइन। देन इसके बाद कंट्रोल जाएगा आउटर फॉर लूप के अपडेशन स्टेप पे और आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होके हो जाएगी 2। तो मुझे बताइए 2 लेस देन इक्वल टू 4, 2 लेस देन इक्वल टू 4 कंडीशन क्या हो जाएगी ट्रू, कंट्रोल आएगा आउटर फॉर लूप के अंदर, जे की वैल्यू कितनी है 1, यानी कि जे की वैल्यू हमने किससे इनिशियलाइज कराई 1 से, और i की वैल्यू ऊपर से अपग्रेड होकर कितनी आई 2। तो जरा देखिए 1 लेस देन इक्वल टू 2 ये लूप कितनी बार रन करेगा, ये लूप 2 बार रन करेगा। ठीक है, j की वैल्यू 1 लेस देन इक्वल टू 2 कंडीशन ट्रू हुई, फ्लो ऑफ कंट्रोल इस फॉर लूप के अंदर आया और k की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, k की वैल्यू इस बार 2 प्रिंट करेगा।
क्योंकि लास्ट आइट्रेशन में आप के की वैल्यू अपडेट करके 2 कर चुके थे, तो इस बार अगर के की वैल्यू प्रिंट करी इसने तो क्या प्रिंट करेगा, 2। तो देखिए जरा क्या प्रिंट हुई वैल्यू, 2। ठीक, अब इसके बाद कंट्रोल आएगा इस k इक्वल टू k प्लस 1 पे, जिसकी वजह से k की वैल्यू इंक्रीमेंट होके हो जाएगी 3। अब कंट्रोल जाएगा इनर फॉर लूप के अपडेशन स्टेप पे और j की वैल्यू इंक्रीमेंट होके हो जाएगी 2। तो 2 लेस देन इक्वल टू 2 कंडीशन ट्रू, कंट्रोल इनर फॉर लूप के अंदर आया आइवसन में। लेकिन अब k की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, k की लास्ट अपडेटेड वैल्यू क्या हो चुकी, k की अपडेटेड वैल्यू हो चुकी 3। तो इस बार अगर वैल्यू प्रिंट करा इसने k की, तो वो k की वैल्यू 3 प्रिंट करेगा, यानी कि 2 के बाद क्या प्रिंट होगा, 3। तो इस तरह से ये लूप आपका ये वाला पैटर्न प्रिंट कर देगा। ठीक है, होप सो आपको ये लेक्चर समझ में आया हो। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और प्रोग्राम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए थैंक यू।